नमस्कार, रागा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम अलग अलग तरह की के वीडियोस लेके आते हैं, जिससे कि आपके संगीत के रियाज में, आपके गायन में समृद्धि हो और आप अच्छे से गा पाएँ, बिना किताब के, बिना रटे हुए तानों के या किसी भी इसके। अपने मन से गाना सबसे बड़ा एक वह है जो आपको आना चाहिए। किसी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में, पर्टिकुलरली दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत हो या फिर हिंदुस्तानी संगीत हो, वो बहुत ही एक विशिष्ट उसका वह है, विशिष्टता है कि उसमें हम एक्सटेम्पोर और इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, मतलब अपने मन से गाते हैं। गाना हम रिटर्न नहीं गाते हैं, हम यही भारतीय संगीत की विशेषता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत से एकदम अपने आप को अलग करती है। तो इसलिए एकदम बड़ा समृद्ध और बड़ा ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ म्यूज़िक है जो कि पूरे विश्व भर में छाया हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इसमें इम्प्रोवाइजेशन या अपने मन से रचनात्मक क्रिएटिविटी करते हैं। उसमें हम अपना जितने भी हम अपनी कार्यकुशलता या अपने पास जितने भी अपने दिमाग से उपज निकल सकती है संगीत के माध्यम में, हम उसके लिए हम अलग अलग तरह के टूल्स का उपयोग करते हैं, जो जिससे कि संगीत अपना समृद्ध रहे, हम किसी भी एक राग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है, हमने बहुत सारे राग आपके सामने रखे हैं, करीब 100 राग अभी तक हमने शायद आपके सामने रख दिए होंगे। पर अभी हम आज आपको एक राग श्री होता है, श्री राग, जो कि सांध्यकालीन राग है, एकदम गोधुली बेला का राग है, समझ लीजिए, मतलब सांध्यकाल वाला राग है, जिसमें संध्या दिन और रात मिलने का जो टाइम होता है उसको सांध्यकाल बोलते हैं। तो शाम के सांध्यकाल वाला टाइम है वो, जिसको गोधुली बेला भी कहते हैं। तो राग श्री में हम आपको एक वो तान, षड्ज पंचम वाली तान कैसे लेंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। षड्ज पंचम या षड्ज मध्यम वाला भाव जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। अक्सर हम लोग अपने गायन में या वादन में इसका उपयोग करते हैं। वो षड्ज पंचम का भाव मतलब ये कि सा और प में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो गैप आप किसी भी दो सुरों के बीच में यदि ला सकते हैं तो वो षड्ज पंचम भाव है। यदि आप रे और ध के बीच में जितना गैप, मतलब सा और प में जो गैप है वही रे और ध में गैप है। सो रे और प में जो गैप है वो सा और म का गैप है, तो सा और म में जो गैप है वो रे और प में है। या नी और म तीव्र में जो गैप है वो सा और प में है, नी शुद्ध में और तीव्र म में जो गैप है वो सा और प में है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढते हैं जहाँ पे हमको अक्सर ये षड्ज पंचम का भाव मिलता है। और श्री राग जो है पर्टिकुलरली, इसमें रे और धैवत, ऋषभ और धैवत जो है बहुत ही हम अक्सर में लाते हैं। हालांकि इसमें औड़ो संपूर्ण जाति का राग है, गंधार और धैवत वर्ज हैं आरोह में, सारे में पर नीसा करके हम लेते हैं इसमें, पर हम धैवत को भी अक्सर यूज़ करते हैं। पंचम बहुत मुख्य स्वर है इस राग में। तो हम षड्ज पंचम का भाव जो है, हम सा और प वाला भाव जो ऋषभ, रे कोमल और ध कोमल, ध भी कोमल है इसमें और म तीव्र है, तो निषाद और मध्यम तीव्र की एक युति बनती है जिसको हम षड्ज मध्यम में लेते हैं, या फिर ऋषभ कोमल और धैवत कोमल में जो गैप है वो षड्ज पंचम का गैप है। तो हम जब आपको एक तान शुरू करते हैं रे से लेके ध तक, मतलब एक कॉम्बिनेशन हम पैटर्न लेते हैं जो कि रे से शुरू होगा,
जैसे मान लीजिए रे सा नी सा, तो उधर वही पैटर्न हम ध पे रिपीट करेंगे तो वो ध प म प, फिर ऊपर जाएंगे तो वो रे सा नी सा, फिर चाहे तो और ऊपर जा सकते हैं ध प म प, फिर रे सा नी सा ध प म प रे सा नी सा ध प म प। तो आप रे और ध रे ध इसी में आप तीनों सप्तकों में आप आराम से घूम लेते हैं और बहुत बढ़िया इफेक्टिव तान बनती है। और आप एक पैटर्न लीजिए और उसी को आपको रे और ध में एक्सपांड करना है। यह है कि जब आप रे से ध में लेते हैं तो वो षड्ज पंचम है और ध से रे लेते हैं तो वो षड्ज मध्यम का भाव आता है। तो एक सा प सा में षड्ज पंचम और षड्ज मध्यम दोनों दिखाई देते हैं। तो सा प सा में जैसे आता है जैसे रे ध रे में वही भाव आपको दिखेगा। ऐसे ही हम नी शुद्ध में और तीव्र म में जो गैप है वो षड्ज पंचम का ही गैप है, तो नी म नी तो में वो सा प सा का ही गैप दिखेगा। इसलिए हम जो भी तान लेंगे वो एक साइड में षड्ज पंचम दिखेगी, फिर उसके बाद नी म में वो षड्ज पंचम होगी और म से नी के बीच में वो षड्ज मध्यम वाली तान होगी। और वह षड्ज पंचम और मध्यम का भाव हम इस माध्यम से हम ला सकते हैं। अभी हम राग चूँकि श्री राग में आपको ये दिखाएंगे, तो पहले हम राग श्री का एक थोड़ा सा वातावरण बनाएं। एक बार माहौल जब बन जाएगा तब फिर एकदम हम उसमें थोड़ा सा ये ताने लेने लायक हो जाएंगे। फिर हम आपको एक ताल द्रुत की बंदिश में कैसे हम इन षड्ज पंचम की तान को उपयोग में लाएंगे वो आपको बताएंगे। हमने स्केल जो लिया है वो पहला काला है सी शार्प, तो हमने तानपुरे को इसमें मिलाया है। Oh.
थोड़ा सा राग का माहौल बनाया, राग श्री का। श्री बहुत ही सुंदर संध्या बेला का राग है। अब हम आपको ऋषभ से उठने वाली या नी से उठने वाली षड्ज पंचम की तान बताते हैं। आपको कोई भी पैटर्न लेना है, मान लीजिए हम नी से उठाते हैं, नी सा नी 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 सा रे रे सा नी सा, छोटा सा पैटर्न लिया नी सा रे रे सा नी सा, तो अब उसको म पे ले जाएंगे, नी सा रे रे सा नी सा म ब र र ब म ब सिंपल नी दा रे रे दा नी दा म ब र र ब म ब इतना आसान है एकदम। एक सिंपल आपको पैटर्न लेना है, नी से म में, नी म नी म, इसी में आपको एक्सपेंड करना है, तो वो षड्ज पंचम या षड्ज मध्यम वाली तान बन जाती है। आप रे से कर सकते हैं, रे कोमल से रे रे दा नी रे दा रे नी सा रे दा नी रे दा रे नी सा दा बा बा दा बा दा मा बा, ये पैटर्न लिया रे सा नी रे सा रे नी सा द ब द द ब म द ब द म ब रे सा नी रे सा रे नी सा द ब म द ब द म ब रे सा नी रे सा रे नी सा द ब म द ब द म ब रे सा नी रे सा रे नी सा द ब म द ब द म ब रे सा रे। तो ये बढ़िया से तान बन जाती है। पैटर्न आपको लेना है, सिर्फ वो डिसाइड करना है कैसे लेना है। अब एक ही रे और ध में हम 50 पैटर्न बना सकते हैं, या नी और म में हम 50 पैटर्न बना सकते हैं। उदाहरण के लिए नी से शुरू करें, नी रे नी रे रे नी नी रे नी रे नी नी दा नी रे गा रे नी सा म म म म म म म ब म ग ब र म ब नी रे नी रे नी नी दा नी रे गा रे नी दा म म कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता तो आप सिंपल पैटर्न लें, नी नी सारे नी सारे नी रे सा नी सा, या नी सा नी रे नी सा सारे रे सा, या नी सा रे सा, सिंपल ले लें चार सुर वाला, नी सा रे सा म ब द ब नी सा रे सा म ब द ब नी सा रे सा म ब द ब नी सा रे सा। तो आप पहले चार कर लें, फिर उसमें एक सुर और ऐड करें, तो नी सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी नी दा रे दा नी म ब र ब म नी दा रे दा नी म ब र ब म नी दा रे दा नी म ब र ब म नी दा रे दा नी म ब र ब म परी सो। हमने चार लिया था, नीसा रेसा, फिर नीसा रेसा नी भी करके एक अलग से वो पैटर्न बन गया। फिर आप नीसा 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 रे रेसा नी दा रे रे दा म ब र र ब नी दा रे रे दा म ब र र ब नी दा रे रे दा म ब र र ब नी दा रे रे दा म ब र र ब नी दा रे रे दा।
बढ़िया से काम मिल गया। फिर अब पांच की बजाय छः लेते हैं तो निजा रे 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 सा निजा रे 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 सा निजा रे 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 सा मा बा रे 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 मा निजा रे 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 सा मा बा रे 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 मा निजा रे 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 सा मा बा रे 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 मा निजा रे 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 सा। ये ध्यान रहे कि नी और मा और गैप में अक्सर आपका जो है सुर गड़बड़ ना हो, वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको बिना ज़्यादा लय बढ़ाए हुए कम लय में उसको अपने सुरों को ठीक से निकलते बने इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि आपको नी नी सा नी रे सा रे नी सा ये लिया तो मा बा मा दा बा दा मा बा, नी और मा जो है सुरों में आने चाहिए, तभी उसके आगे के आसपास के सुर भी ठीक से निकलेंगे। फिर नी सा नी रे सा मा के बाद फिर नी है तो नी सा नी रे सा रे नी सा फिर मा बा मा दा बा दा मा बा नी सा नी रे सा रे फिर मा के बाद फिर नी पे आना है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा औरों में अक्सर गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट्स की, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको अवरोह में पर्टिकुलरली आरोह में तो आप पहुंच जाते हैं ऊपर, पर अवरोह में आते हुए अक्सर जो है नी म उतरते हुए थोड़ा सा दिक्कत आती है। ऐसे ही रेधा रेधा में उतरते हुए दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैटर्न लें पर एक सिंपल पैटर्न में नी से म, म से नी, नी से म और माँ से फिर उतरे नी, नी से माँ, माँ से नी, ऐसे करके नीचे उतरे। तो ये पैटर्न में सुर में निकले वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप सुर में निकालेंगे वो बहुत बढ़िया से तान बन जाती है। अक्सर सभी बड़े कलाकार लोग इसका उपयोग करते हैं अपने गायकी में या वादन में, और पर्टिकुलरली ये राग श्री जैसा जो राग है उसमें तो ये बहुत ही उपयोग में आता है, क्योंकि ये इसमें रे पे बहुत ज़्यादा और निषाद पे भी काफ़ी ज़ोर रहता है, तो हम इन पे षड्ज मध्यम का भाव लाने में और इस राग को और खिलाने में मदद करता है। इसलिए ये षड्ज पंचम वाला भाव जो है राग श्री में, ये ऐसे बहुत सारे राग हैं जिसमें हम षड्ज पंचम का उपयोग करते हैं, इसे देखा जाए तो हम किसी भी राग में कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ गैप देखना है कि दो सुरों के बीच का जो गैप है वो षड्ज पंचम का है, सा और प के बीच का जो गैप होता है उतना गैप होना चाहिए। वो आप रे और ध में शुद्ध, रे शुद्ध में और ध शुद्ध में ला सकते हैं, या रे कोमल या ध कोमल में ला सकते हैं, या फिर नी नी शुद्ध में और तीव्र म में ला सकते हैं। यदि तीव्र म लगता है तो आप नी म का षड्ज पंचम भाव निकाल सकते हैं, वो राग यमन में भी निकल सकता है, तो ग और नी में भी निकल सकता है, ग शुद्ध और निषाद शुद्ध में षड्ज पंचम भाव है। ऐसा करके म तीव्र या म शुद्ध करेंगे और पंच सा करेंगे तो वो षड्ज पंचम भाव आ जाता है, म सा सा म सा सा म सा म, तो वो षड्ज मध्यम षड्ज पंचम वाला भाव आ जाता है। तो ऐसा करके भी आप आराम से बना सकते हैं, पर अभी हम चूंकि राग श्री में हैं तो इसमें रे कोमल है, ध कोमल है, तीव्र म है और शुद्ध नी है, तो आपको नी म वाली कॉम्बिनेशन जो है षड्ज पंचम में बनती है, रे या ध कोमल वाली बनती है। इन दो कॉम्बिनेशन में आप 50 ताने बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक पैटर्न को याद रखना है, पैटर्न बनाने हैं आपको, एक्चुअली 25-50 पैटर्न आप बना के रख लीजिए और वो पैटर्न्स को आप बस उनको रिपीट करना है, नी म नी में ऐसे रे ध रे में, बहुत आसान है। जैसे अब हम रे से लेते हैं तो रे 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 सा, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब छः का लिया रे 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 सा, या तीन चार का लिया रे 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 सा, या रे रे सा तीन का लिया रे रे सा ध ध ब 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 रे रे सा, रे 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 रे
स्वरूप के आंदोलन करेंगे तो बढ़िया गमक भी बन जाती है, तो गमक की तान भी बनती है और षड्ज पंचम वाली भी तान भी बनती है। आपको एक पैटर्न लेना है बस, उसी को आपको रे और ध में एक्सपांड करना है। सिंपल, ऐसे नी में और म में बताया आपको। एक पैटर्न लीजिए शुरू में, दो या तीन का पैटर्न लीजिए, फिर उसको आप चाहे तो एक्सपांड कर लिए और बड़े बड़े करके 8-10-15 सुरों का भी एक पैटर्न बना सकते हैं। तो वो जो पैटर्न बनेगा वही पैटर्न आपको नी और म में रिपीट करें या फिर रे और ध में उसी को पैटर्न को रिपीट करें, अपने आप वो बहुत बढ़िया से इफेक्ट आता है। तभी फिर वो षड्ज पंचम का भाव दिखेगा, क्योंकि नी और म एकदम हाईलाइट होते हुए वही पैटर्न को साथ में दिखेंगे तो बहुत बढ़िया षड्ज पंचम भाव आएगा। अभी हम आपको एक ताल रूप में एक बंदिश जो कि रागश्री पर आधारित है, आचार्य तनरंग जी की बनाई हुई, मेरे गुरु जी, अलग अलग षड्ज पंचम की तान लेते हैं।
re re sa ma ba re re ba ni ga re re ga ma ba re re ba ni ga re re ga ma ba re re ba ni ga re re ga ma ba ni ga re re ga sa दो की स्पीड में ताल ले रहे हैं, 1 2 3 4 ये स्पीड है, पर हम जो ताल ले रहे हैं वो 1/2 की स्पीड में, मतलब एक मात्रा में 200 है। रे दा रे 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 सा रे दा रे 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 सा मा ब र र र ब da 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 da
षड्ज पंचम की ताने ऋषभ और निषाद से कैसे लें, जो निषाद और मध्यम का तीव्र मध्यम का कॉम्बिनेशन, या फिर रे कोमल या ध कोमल के साथ राग श्री में कैसे ली जाए, ये हमने आपको डेमोंस्ट्रेट किया। एक ताल दूत की बंदिश में भी आपको बताया। आप अपने साथ इसको उगाने की कोशिश करें, धीरे धीरे आलाप में आकार में लीजिए, सरगम में लीजिए, फिर आकार में ताने लीजिए। सुर करेक्ट लगना चाहिए, इंश्योर करें, उसके बाद ही फिर आप लय बढ़ाने की बात करें, तभी फिर आपके पास फिर बंदिश के साथ में उसको लाने की कोशिश करें। ऐसा करके अपने गाने को समृद्ध करिए, बिना कुछ किसी रिटर्न टेक्स्ट को पढ़ते हुए अपने मन से गाना है आपको, ये ध्यान रहे। अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।